हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो इलेक्शंस खत्म है ना, मोदी जी जीत चुके हैं और बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है, हमें एक नए प्रधानमंत्री मतलब टर्म्स वाइज जो है वो मिलने वाले हैं, और जो लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे उनको भी शुभकामनाएं। अब जो चीजें हैं वो हैं, जो भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। स्टार्ट मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी जीत गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है या बहुत दुख की बात है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न मेरा वो है जो मैंने आपको थंबनेल में, जो आप देखकर यहां पर आए हैं, ठीक, कंसर्न मेरा वो है यहां पर। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं इस साल के। हमारे 5 महीने ठीक है आपके गायब हो चुके हैं, 2-3 दिन आपके जून के भी गायब हो चुके हैं। गायब भी उनको हम समझते हैं ना, गए तो नहीं बट हमने वो कहीं ना कहीं हमने वो गायब कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं। पूरा आईपीएल हमने देखा है, रात को जाग जाग कर हमने पूरा आईपीएल देखा है, पूरा आईपीएल जो है वो खत्म किया है। और अभी इलेक्शंस में अभी देख रहे थे कि आज ये ऊपर था, आज वो नीचे, आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। ठीक है, ये सभी चीजें हैं देखने में, देखते हैं मजा आता है, रील्स देखते हैं मजा आता है, टाइम वेस्ट करते हैं बहुत मजा आता है। लेकिन असली मजा कब आता है? जब हमारे पास एक फिक्स्ड सैलरी होती है, हमारे पास एक फिक्स्ड जॉब होती है, हमारे पास एक सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, अब मोदी जी तो अगले 5 साल के लिए उनकी सरकारी नौकरी फिक्स हो गई है ना, उनकी तो एक सरकारी जॉब लग गई। लेकिन आप लोगों का क्या है? आप लोग क्या करोगे? अब क्या करना है, ये क्या सोचा है? ठीक है, अब कई लोग ये सोचेंगे कि अब तो टाइम निकल चुका है, इतने सारे अब इलेक्शंस भी हो गए, अब तो वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, कब थी, कैसे थी, क्या थी। तो भाई देखो, इलेक्शंस अगर एक खत्म हुए हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, एक बहुत बढ़िया माहौल बनाकर आपके ले गए हैं, और प्लस आपको टाइम देकर गए हैं। अब टाइम कैसे देकर गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका आई एग्जाम बी पर। तो आई एग्जाम बी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरह की जॉब्स के लिए प्रिपेयर कराता है, और 50% फास्टर जो है वो प्रिपेयर कराता है। अब इन सभी जॉब्स के बारे में और इन बचे हुए 7 महीनों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, इतना टाइम खत्म हो गया, अभी तक तो काफी एग्जाम हो भी गए होंगे, लेकिन इलेक्शंस आए और ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन आए, इलेक्शन खत्म हुए। ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ने क्या हुआ, वैकेंसीज पर रोक लगा दी गई, और वो बहुत अच्छी बात थी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसका एक, कई लोग बोलेंगे कि इसका एक गलत साइड भी है, एक डार्क साइड भी है कि वैकेंसीज जो है वो उतनी ही है और कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा। भाई आपको एक सीट से मतलब है, आप उस एक सीट पर अपना ध्यान देंगे तो सभी अच्छा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस आपके पास ये चार मेन ऑप्शंस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है, बट ये चार मेन ऑप्शंस हैं, और ये हर फील्ड के जो हमारे पास जो एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए हैं। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आपके पास यहां से, आज से और अभी से बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, और टाइम भी सफिशियंट है, क्योंकि यहां पर ना मैं इन एग्जाम्स के बारे में और टाइम के बारे में भी जो है वो बात वो करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके आते हैं। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं और कौन कौन से, कितना आपके पास यहाँ पर टाइम बचा हुआ है वो जरा देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करता हूं आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई का एग्जाम जो है वो हम हर साल देखते हैं, जून जुलाई में आपका एग्जाम जो है वो हो जाता है, लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है उसके एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो आपकी सितंबर में आपका एग्जाम जो है वो होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो हमारे सुशील सर हैं, हमारे जो कैलाश सर हैं, उन्होंने इस बात की अपनी वीडियोस में भी यहाँ पर बात की है। अगर आप उसको देखना चाहें तो टारगेट आरबी चैनल है हमारा, उसका लिंक होगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। सेबी की अगर बात करूं, सेबी के सभी एग्जाम्स की, ठीक है, सेबी आपका जनरल, आईटी, अभी लीगल जो भी एग्जाम, अभी इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था आपका, उसके एग्जाम्स कब होंगे, उसके एग्जाम हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईएफएससी की बात करूं, उसका भी एग्जाम हम अगस्त के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं नाबार्ड की बात करूं, नाबार्ड की जो डेट्स है वो एग्जैक्ट यहां पर अभी उतनी मतलब उतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है, बट स्टिल हम उसका सितंबर अक्टूबर के आसपास हम उसकी डेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कैलाश सर ने इस वीडियो में बताया था हमारे एग्रीबी चैनल पर, वहां जाकर आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज की बात। तो आप देखो, जून है, जुलाई है, अगस्त है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
3 महीने, प्रॉपर 3 महीने, 90 दिन है आपके पास। तो और अभी ऐसा नहीं है कि आपने भी कुछ भी नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत आप तैयारी में होंगे। और अगर नहीं भी है ना, देखो 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर आप 3 महीने लगकर एकदम बहुत अच्छे एफर्ट से, बहुत सच्चे मन से अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो ये एग्जाम आप जरूर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी, मतलब इसमें बहुत चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप समझेंगे इन चीजों को, आप अगर आप इस टाइम को समझने की कोशिश करेंगे, ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 3 महीने है रेगुलेटरी बॉडीज के लिए, प्रॉपर प्रॉपर उसको आप देखिए। नेक्स्ट, ये हमारा SSC का पैटर्न है, SSC का कैलेंडर है, सॉरी। ठीक है, ये हमारा SSC का लेटेस्ट कैलेंडर है जो आ चुका है। अब जो फॉर्म भर चुके हैं, मैं उनकी बात तो कर क्या ही करूं, क्योंकि हम इसी महीने हमारा CPU का एग्जाम शेड्यूल्ड है, उसी उसके बाद हमारा जो हमारा CTSL एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है। लेकिन जो फॉर्म आपके अभी आने वाले हैं, उसके जस्ट बाद अभी आपका MTS आने वाला है, आपका CGL आने वाला है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इससे बड़ा एग्जाम मैं नहीं मानता हूँ SSC के लेवल पर कोई होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। ठीक है, CGL आपका आने वाला है, आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम आएगा, और आपका कांस्टेबल GD का एग्जाम आएगा। ये एग्जाम अभी आपके लाइंड अप है, और हर एक के लिए आपके पास 3-3 महीने का टाइम है, कम से कम 3-3 महीने का टाइम है। सीक्वेंस वाइज चलोगे, जितना नीचे आप जाओगे उतना टाइम आपका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसा आप यहां पर देखोगे, ठीक है, ये एग्जाम डेट है, क्योंकि इलेक्शन से पहले चीज आई थी, तो एक दो महीना इनमें और आ गया, आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसकी भी तैयारी आप अच्छे से जो आप करिए यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक एग्जाम्स की। आपका IBPS PO क्लर्क है, आपका RRB PO क्लर्क है, इसका कैलेंडर हर साल जनवरी में आ जाता है। अभी RRB PO का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं। डेट्स फिक्स है, इन डेट्स में कोई चेंज नहीं होता है, बहुत मिनिमल चेंज आता है हर बार, बहुत ही मुश्किल हो कि बैंक एग्जाम्स में कोई चेंज होता है। इनकी चीजें जो है वो आपके सामने बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका PSB से आपका RRB से, इसमें आप देखिएगा ये आपका 29/9, ठीक है, सितंबर में शेड्यूल्ड है आपका। ठीक है, और ये आपका अगस्त में शेड्यूल्ड है। ठीक है जी, इस तरह से। और आपका IBPS की बात करूं तो क्लर्क है, आपका PO है, ये आपके भाई अगस्त सितंबर से आपके जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बैंक वाली बात होगी। एंड लास्ट में जो हमने बात की थी वो है आपका रेलवे एग्जाम्स। 2 भर्तियां आपकी भी चल रही है, रेलवे आपका SI है, आपका कांस्टेबल है। ठीक है, उसमें क्या है वो कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम, उसमें भी है सितंबर में या तो एग्जाम होगा, और सितंबर में नहीं हुआ तो उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम है, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में आपका जो है एग्जाम वो जाने वाला है। फॉर्म आपने अगर भर दिया था रेलवे इसका RPF SI कांस्टेबल का, और पढ़ाई नहीं की, छूट गई थी, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, 3 से 4 महीने है, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लाकर पढ़ाई करो, चीजें जरूर ठीक होंगी, चीजें जरूर अच्छी होंगी। जितना टाइम आप वेस्ट कर चुके हो उतने कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे YouTube के चैनल्स हैं। ठीक है, हमारे पास आई एग्जाम भी है, ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए सभी एग्जाम्स की इन्फो आपको यहाँ पर मिलेगी, रेगुलेटरी एग्जाम्स की, अगर आपको और रेगुलेटरी और आपको टारगेट, आपको अगर RBI में स्पेसिफिकली अगर आपको बात करनी है, फिर और रेगुलेटरी बॉडीज में आपको और जाना है, तो आप हमारे जो टारगेट RBI है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर अगर आप एग्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एग्री भी चैनल है। अगर आप लीगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया नौकरी है यहाँ पर, बहुत अच्छी आपको यहाँ पर जो है पोस्ट मिलती है। और ये है फिर आपका अपना SSCB चैनल, यहाँ पर आपको SSC की, रेलवे एग्जाम्स की, CSIR की, EMRS की, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जिस मोटिव से मैंने बनाया है आप सभी ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया होगा, बहुत अच्छे से लिया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, और अपनी पढ़ाई पर भी आप उतना ही ध्यान देंगे जितना आप बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि 5 महीने आपके जा चुके हैं, आगे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए अच्छा है कि आप अभी से पढ़ाई में लग जाओ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने आपके पास यहां से हर एग्जाम के लिए हैं, इन पर फोकस कीजिए, इन पर पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और इस साल एक गवर्नमेंट जॉब को आप जरूर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो भी आप नीचे लिख सकते हो, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।